प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10+2 क्लास के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चैप्टर 5 है हमारा ये। चैप्टर 5 हमारा, अगर एग्जाम वैल्यू की बात करें तो एग्जाम वैल्यू इसकी 9 मार्क्स की है। 9 मार्क्स का ये टॉपिक है हमारा एग्जाम के हिसाब से। लेकिन एग्जाम वैल्यू से ज्यादा एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए ये सबसे ज्यादा, अगर मैं ये बात कहूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बिना आपकी जो फर्दर हायर स्टडी है वो बेकार है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हम सामान्य सी भाषा में डेरिवेटिव कह देते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव के बिना आगे का जो मैथमेटिक्स है जो, वो आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी आगे हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलस में, हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम वैल्यू की अगर बात करें तो 9 मार्क्स का एक टॉपिक है ये। आमतौर पे क्या होता है, 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, मतलब 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह करते हैं। कि आमतौर पर अगर हम पैटर्न देखें तो 2019 में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन, और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। 2018 की अगर हम बात करें तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन, और 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन। और इसी तरह से 2017 में भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन, और 4 मार्क्स के लिए हमारे पास 4 क्वेश्चन। तो हमारा जो चैप्टर 5 है जो हमारा, उसकी जो टोटल वेटेज है वो 9 मार्क्स की है। यानी कि इसमें से 9 मार्क्स का सिलेबस आना है। टोटल आमतौर पे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आ रहे हैं 1, और 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, 4 × 1 तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहां पे 1, 4 और 4 टोटल हमारे पास 9 मार्क्स का आ जाएगा। टोटल 9 मार्क्स का इसमें से आता है। तो एग्जाम वैल्यू भी काफी अच्छी है, और अगर हम इंपोर्टेंस की बात करें, चैप्टर की इंपोर्टेंस की बात करें, तो बेहद ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अगर आपको 5th चैप्टर नहीं आता है डिफरेंशिएबिलिटी का, तो इसका मतलब आपको 6th चैप्टर भी नहीं आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका मतलब आपको 7th चैप्टर भी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन। इसका मतलब आपको 8th चैप्टर भी नहीं आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और इसका मतलब आपको 9th चैप्टर भी नहीं आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आपस में कनेक्टेड है पूरी तरह से 5th, 6th, 7th, 8th और 9th चैप्टर। तो कैलकुलस के जितने भी चैप्टर हैं आपस के, आपस में रिलेटेड है, तो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं कि एग्जाम के हिसाब से पिछले 3 साल के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं 2017 के पेपर से हम स्टार्ट करते हैं। तो 2017 में हमारे पास 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है कि fx एक फंक्शन है kx+1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, एंड साइन x इफ x इज यहां पे लेस देन इक्वल टू पाई, और x इज ग्रेटर देन पाई इज कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। पाई पे ये कंटिन्यूअस है, तो फाइंड k की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है पाई पे। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, दिस इंप्लाइज जो लेफ्ट लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, फंक्शन की जो लेफ्ट लिमिट होगी, इसी तरह से जो राइट लिमिट होगी, और जो फंक्शन की वैल्यू होगी पाई पे, वो सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल आ जाए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो कुछ केसेस में हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी निकालनी पड़ती है। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, और क्योंकि फंक्शन अलग अलग से डिफाइंड है, लेस देन के लिए अलग है, ग्रेटर देन के लिए अलग है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहां से लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल है। अब देखो, लेफ्ट लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा,
एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मींस लेस देन पाई। एक्स के किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं? लेस देन पाई से। तो लेस देन पाई के लिए हमारे पास फंक्शन है के एक्स प्लस वन, इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स जो एक्स अप्रोच कर रहा है उसकी वैल्यू पाई से ग्रेटर है, तो यहां से ग्रेटर देन पाई के लिए हमारे पास कितना है साइन एक्स, और फंक्शन की वैल्यू पाई पे, तो एक्स इज इक्वल इक्वल देखो यहां पे है, तो यहां पे फंक्शन हमारा कितना है के एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है पाई पे, तो एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई, फंक्शन हमारा है के एक्स प्लस वन, मीन्स के एक्स की जगह पे पाई पुट कर देंगे के पाई प्लस वन, तो यहां पे के पाई प्लस वन। अब देखो अब यहां से लिमिट पुट करते हैं, एक्स की जगह पे पाई पुट कर दे तो कितना आ जाएगा के पाई प्लस वन दैट इज इक्वल टू यहां पे साइन पाई और यहां पे के पाई प्लस वन, तो इनमें से कोई से भी दो लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने ये सेट ले लिया, तो के पाई प्लस वन दैट इज इक्वल टू साइन पाई, के पाई प्लस वन साइन पाई, साइन एन पाई जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा, के पाई दैट इज इक्वल टू माइनस वन एंड के इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाय पाई, तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आप इस तरह से सोच रहे होंगे कि आप वन मार्क्स में तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आप इसको अगर ओरल भी करना चाहें तो ओरल भी कर सकते हैं। देखो आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई पे, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, लेफ्ट लिमिट लेस देन पाई के लिए ये रहा फंक्शन कितना बना के पाई प्लस वन, राइट लिमिट ग्रेटर देन के लिए ये रहा फंक्शन साइन पाई, साइन पाई हमारे पास जीरो होता है, के पाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, के पाई इज इक्वल टू माइनस वन और के इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाय पाई, तो बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा। ये आपको देखना है, तय करना है आपको के लेंथ उसकी कितनी है, कितनी वेटेज है उसकी, उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा वन मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन है हमारे पास टू मार्क्स के लिए, क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट टेंजेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लेट इस फंक्शन को हमने यू मान लिया, तो ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और इस फंक्शन को हमने वी मान लिया, तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमें डिफरेंशिएट करना है यू का विद रिस्पेक्ट टू वी, वी हैव टू डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू वी, तो हमें क्या निकालना है डी यू डिवाइड बाय डी वी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप इसको देखें वन और टू को, तो यू का डेरिवेटिव हम किसके विद रिस्पेक्ट कर सकते हैं एक्स के, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, यानी कि टेंजेंट एक्स इट्स होल स्क्वायर है, तो पहले पावर क्या करेंगे टू आगे टेंजेंट एक्स पावर वन पावर आगे और एक पावर कम, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको करते हैं टेंजेंट एक्स का कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो डी यू डिवाइड बाय डी एक्स, ये आ गया हमारे पास टू टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह से टू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, हम निकालेंगे डी वी डिवाइड बाय डी एक्स, ये भी हमारे पास सीकेंट एक्स स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर है तो इसका सीकेंट इट्स होल स्क्वायर है, तो निकालेंगे हम टू ये हो जाएगा सीकेंट एक्स स्क्वायर पावर वन रहेगी। अब हमें करना है सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो यहां पे हम लिखेंगे सीकेंट एक्स स्क्वायर और ये टेंजेंट एक्स स्क्वायर, ये इसका एंगल है एक्स स्क्वायर इसका एंगल है। अब देखो पहले हमने क्या किया पावर की जो पावर के लिए किया, अब फिर पावर की जो अंतर था सीकेंट था, तो सीकेंट क्या होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया इनटू, अब हमें किसका करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो ये हमारे पास dv डिवाइड बाय dx आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है। अब देखो 2 secant x स्क्वायर, ये भी secant x स्क्वायर, तो ये हो गया secant स्क्वायर x स्क्वायर, अगेन हमारे पास tangent x स्क्वायर,
और मल्टीप्लाई बाय 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x secant square x square और tangent x square। तो यहां पे हम पहुंचे। अब हमें क्या निकालना है, du डिवाइड बाय dv निकालना है। तो हमारे पास है क्या, उसको यूज करेंगे। देखो du डिवाइड बाय dx और डिवाइड बाय dv बाय dx कर देंगे। देखो dx कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हम यहां से करेंगे 2 tangent x secant square x du by dx की वैल्यू रख देंगे। इसी तरह से हम dv by dx की वैल्यू रखेंगे, तो ये 4x secant square x square और tangent x square। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख देते हैं, du divide by dv। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा tangent x और secant square x। और यहां पे 2 जब कैंसिल किया तो ये रह गए 2x। पहले हम tangent को लिख देते हैं, tangent x square और secant square x, x secant square। देखो 2x tangent x square और secant square x square। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन। तो ये हमारे पास 2 मार्क्स में आया हुआ था। इसी तरह से 2 मार्क्स में हमारे पास एक क्वेश्चन और है। एक्स प्लस वाई गिवन है, टेंजेंट इनवर्स वाई। ये प्रूव करना के सॉल्यूशन है इसका y स्क्वायर dy by dx का प्लस y स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने लिख दिया x प्लस y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y। देखो इंप्लिसिट फंक्शन है, y को जगह पे आया हुआ, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x का 1 हो गया, y का dy by dx दैट इज इक्वल टू tangent inverse y का 1 divided by 1 plus y square into y का dy by dx। तो हमने ये लिख दिया। अब आप देखेंगे dy by dx एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास dy by dx minus 1 divided by 1 plus y square dy by dx। हमने क्या किया, इसको इधर ले आए, that is equal to, और 1 को हम इधर ले आए, ये कितना हो जाएगा minus 1। अब यहां से dy by dx कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस y स्क्वायर इनटू dy by dx दैट इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहां से 1 प्लस y स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर और माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास रह गया y square divided by 1 plus y square dy by dx that is equal to minus 1। अब हमें ये प्रूव करना है, तो देखो सारी टर्म आई गई वैसे ही आ गई, y square dy by dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो टर्म है इधर आ गई, तो ये माइनस ऑफ 1 plus y square हो गया। आप ध्यान से देखें, इसको मैं इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में, तो y स्क्वायर dy by dx तो ये प्लस हो जाएगा 1 plus y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, या y स्क्वायर dy by dx plus y स्क्वायर plus 1 दैट इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन ले लिया उसने, इंप्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड है। तो इंप्लिसिट फंक्शन है यानी कि y बीच बीच में आया हुआ है, तो dy by dx जब भी y जितनी भी टर्म उनका डेरिवेटिव करेंगे तो साथ में dy by dx लगाएंगे, फिर dy by dx की टर्म एक तरफ और विदाउट dy by dx की टर्म एक तरफ रखेंगे। ठीक, इसी तरह से हमारे पास एक 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है। फोर मार्क्स में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x raised to power y that is equal to y raised to power x dy by dx फाइंड करना। ये भी इंप्लिसिट फंक्शन में है, x और y बीच बीच में आए हुए हैं, y बीच बीच में आए हुए हैं,
और दूसरी बात फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो सबसे पहले हमें लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां आ गया log x रेस टू पावर y दैट इज इक्वल टू log y रेस टू पावर x। अब क्या करेंगे, log x रेस टू पावर n कितना होता है, n log x, तो ये जो पावर है वो आ गया, तो ये हो जाएगा y log x और ये x log y। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब देखो यहां y और log x प्रोडक्ट टू लगेगा, यहां x और log y प्रोडक्ट टू लगेगा, यहां से y एज इट इज log x के लिए 1 बाई एक्स प्लस अगली log x एज इट इज y का हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx, ये हो गया। अब यहां से x एज इट इज प्रोडक्ट टू लगेगा, log y के लिए 1 बाई वाई साथ में dy बाई dx प्लस अगली बार log y एज इट इज और x का कितना हो गया 1, ठीक करके लिखा ये है y डॉट बाई x प्लस log x dy by dx दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y dy by dx प्लस log y। अब हमें कैलकुलेट करना है dy by dx, तो dy by dx की टर्म में एक तरफ, यहां से तो log x dy by dx है, इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस x डिवाइड बाय y dy by dx, ये हो जाएगा हमारे पास log y माइनस आ जाएगा y डिवाइड बाय x। अब यहां से log y dy बाई dx अगर हम कॉमन ले लें इसमें से, तो dy बाई dx अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा log x माइनस x डिवाइड बाय y इंटू dy डिवाइड बाय dx। अब यहां से देखो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास y, ये हो गया y log x माइनस x dy बाई dx, और यहां से x ये हो गया x log y माइनस y, तो dy डिवाइड बाय dx, यहां y है y x log y माइनस y डिवाइड बाय, ये कितना डिनोमिनेटर में x इंटू y log x माइनस x, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो ये था हमारा 2017 का पेपर, इसमें 9 मार्क्स का ही आया हुआ है, एक क्वेश्चन एक नंबर के लिए, दो क्वेश्चन दो दो नंबर के लिए और एक क्वेश्चन चार नंबर के लिए। देखते हैं 2018 का पेपर, अगर हम 2018 के पेपर की बात भी करते हैं तो यहां पे भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है वो है हमारे पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर हम इसको वाई मान लें तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव करेंगे कोस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², तो ये हमारे पास 3x² cos x cube, ये इसका आंसर है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया। इसी तरह से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है कि हमारे पास गिवन है टेंजेंट x is to power cot x, इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, तो ध्यान रखिए जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉग लेके हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा log y दैट इज इक्वल टू log टेंजेंट x और यहां पे कोट x, तो log y दैट इज इक्वल टू कोट x आगे आ जाएगा, कोट x log ऑफ टेंजेंट x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो कितना आ जाएगा 1 बाय y dy बाय dx, यहां प्रोडक्ट टू लगेगा कोट x एज इट इज लोग के लिए 1 डिवाइड बाई टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x प्लस अगली बार log ऑफ टेंजेंट x एज इट इज और cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x। अब यहां पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स,
अब देखो आप इसको किस तरह से सोल्व करते हो, अब ये 1 बाई टेंजेंट भी तो कोट होता है, तो कोट ये और कोट ये है, तो ये कोट स्क्वायर हो गया, कोट स्क्वायर एक्स, और ये कोसेकेंट, सॉरी सेकेंट स्क्वायर एक्स है, सेकेंट स्क्वायर एक्स, यहां पे माइनस लगा दिया और ये आ गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, हमने आगे की तरफ लिख दिया और लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स पीछे की तरफ लिख दिया। अब ये वाई इधर आ जाएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स, यहां पे वाई लिख दिया। आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहो तो देखो इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इनटू सेकेंट स्क्वायर को एक्स लिख सकते हैं वन डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स। या अब देखो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो डीवाई बाय डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई हमने क्या माना था टेंजेंट एक्स रिस्ट फॉर कोट एक्स, यहां पे हमारे पास क्या बचा वन डिवाइड बाय साइन स्केयर एक्स, वन डिवाइड बाय साइन स्केयर एक्स को लिख सकते हैं कोसेकेंट स्केयर एक्स माइनस, और ये भी कोसेकेंट स्केयर एक्स हो गया और लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, तो यहां पे कोसेकेंट स्केयर एक्स फिर कॉमन आ गया, तो डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स, तो टेंजेंट एक्स रिस्ट फॉर कोट एक्स और कोसेकेंट स्केयर एक्स अंदर आ जाएगा वन माइनस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में आया हुआ है। इसी तरह से 2 मार्क्स में एक और क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, यह है हमारे पास x इज इक्वल टू e^2 टी cos t एंड y इज इक्वल टू e^2 टी sin t, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, x और y सब अदर वेरिएबल में दिए हुए हैं, तो हमें हमें हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं dx डिवाइड बाय dt, क्योंकि x जो फंक्शन है वो t का है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल अप रही होगा, क्या करेंगे e^2t एज इट इज cos का माइनस sin t प्लस, अब की बार cos t एज इट इज e^2t का यही हो जाएगा और साथ में 2t का कितना आ जाएगा 2, तो ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास dx डिवाइड बाय सॉरी क्या आ जाता है e^2t विद माइनस साइन साइन टी प्लस 2e^2t कोस टी, तो dx डिवाइड बाय dt, देखो e^2t कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैंने पहले प्लस वाली टर्म लिख देता हूं 2 cos t माइनस साइन टी, 2 cos t माइनस साइन टी, dx डिवाइड बाय dt आ गया। इसी तरह से हम dy बाय dt निकालते हैं, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा e^2t और sin t है हमारे पास, तो e^2t एज इट इज sin t का हो जाएगा cos t, अगली बार sin t एज इट इज e^2 के लिए यही आएगा और साथ में 2t का 2, तो dy डिवाइड बाय dt क्या है हमारे पास e^2t cos t प्लस 2 sin t e^2t, तो dy डिवाइड बाय dt, तो e^2t कॉमन आ गया, ये आ जाएगा cos t प्लस 2 sin t, अब x बाय dt आ गया, dy बाय dt आ गया, तो हमें क्या निकालना है dy डिवाइड बाय dx, तो हम लिखेंगे dy डिवाइड बाय dt और डिवाइड बाय dx बाय dt, तो dy बाय dt, dy बाय dt है हमारे पास e^2t cos t प्लस 2 sin t डिवाइड बाय dx बाय dt, डिवाइड बाय dt को रख दिया, dx बाय dt नीचे रखेंगे तो e^2t 2 cos t माइनस sin t, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास dy बाय dx इसकी वैल्यू आ जाएगी cos t प्लस 2 sin t डिवाइड बाय 2 cos t माइनस sin t, तो
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था एक और क्वेश्चन जो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और वाई है जो किसी और वेरिएबल में दिया हुआ फंक्शन, और हमें क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमारे पास फोर मार्क्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये अब की बार कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स मोड एक्स माइनस टू एक्स बिलोंग्स टू आर इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही चेक कर ली है। अब देखो मोड फंक्शन है, मोडलस फंक्शन है, तो हम पहले क्या करते हैं इसको डेफिनेशन के हिसाब से लिख लेते हैं। तो मोड एक्स माइनस टू है तो ये एक्स माइनस टू होगा अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगी, और ये माइनस एक्स माइनस टू होगा अगर एक्स की वैल्यू लेस देन टू होगी। ये हमने लिख दिया बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन यूज करके हमने ये लिख दिया। अब पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू टू पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव, टू से लेस के लिए, टू से लेस के लिए फंक्शन हमारा ये है कितना है माइनस ऑफ एक्स माइनस टू। अब आप इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, टू पुट करते हैं, आपकी मर्जी है। आप उसको थोड़ा और बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो, लिमिट पुट करके एक्स को चेंज करके एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एच लेफ्ट लिमिट के लिए। लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जब लिखा है कि एक्स टेंस टू टू नेगेटिव यानी कि टू से लेस के लिए जब देखा है तो हमने इसका मतलब ये काम कर दिया है, तो जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही क्वेश्चन काफी बड़ा है। तो अब यहां पे एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे तो माइनस टू तो जीरो, तो यहां पर कितना मिल जाएगा हमें जीरो ही मिल जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट देखते हैं दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव एफ एक्स, यहां से लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव, टू से ग्रेटर के लिए, टू से ग्रेटर के लिए फंक्शन है हमारा एक्स माइनस टू। अब इसमें एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे तो टू माइनस टू जीरो, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है। आगे बढ़ते हैं एट एक्स इज इक्वल टू, टू पे फंक्शन कितना है इक्वल का साइन यहां पे है तो फंक्शन है हमारा एक्स माइनस टू, तो जब इसमें एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ टू यानी कि टू माइनस टू, तो कितना आ गया जीरो, एफ टू भी हमारे पास कितना आ गया जीरो। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आए हैं, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव एफ एक्स और वैल्यू ऑफ द फंक्शन है टू, सारे के सारे इक्वल आए हैं, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो फंक्शन हमारा कैसा है कंटिन्यूअस है टू पे। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ, कहां पे चेक करना है हमें टू पे, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू टू, यहां पे लिखेंगे टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइड बाय एच। इसी तरह से जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच, ध्यान रखेंगे टू प्लस एच टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइड बाय एच विद माइनस साइन माइनस एच, ध्यान रखेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए माइनस एच राइट डेरिवेटिव के लिए प्लस एच। अब देखेंगे यहां पे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टू प्लस एच ग्रेटर देन टू के लिए, ग्रेटर देन टू के लिए हमारा फंक्शन ये है कितना है एक्स माइनस टू, और हमें क्या निकालना है एफ ऑफ टू प्लस एच यानी कि एक्स की जगह पे क्या रखना है टू प्लस एच, तो इसमें एक्स की जगह पे टू प्लस एच रखो तो ये हो जाएगा टू प्लस एच एक्स की जगह पे और माइनस टू, ये तो हो गया इसके नाम का एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू तो हमने यहां पर निकाला था
एफ ऑफ टू तो हमारा कितना है, जीरो है, तो टू इसी में आएगा, तो एफ ऑफ टू तो हमने निकाल ही रखा है, तो माइनस जीरो और डिवाइड बाय एच। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच डिवाइड बाय एच कितना आ गया वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई वन एट एक्स इज इक्वल टू टू। अब राइट डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करें, यहां से लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टू माइनस एच, टू से लेस के लिए फंक्शन हमारा ये है, तो इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे टू माइनस एच, तो माइनस तो हमारे पास बाहर है टू माइनस एच और माइनस टू, एक्स की जगह पे टू माइनस एच पुट किया, माइनस टू यहां पे है, माइनस एफ ऑफ टू की वैल्यू जीरो है और डिवाइड बाय माइनस एच, तो यहां पे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अब देखो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस एच प्लस का एच, एच डिवाइड बाय माइनस एच, तो कितना आ गया माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो नोट फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो ये हमारे पास एक फोर मार्क्स में एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारी 5.1 एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशिएबिलिटी का इस तरह के क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से कर लेने चाहिए क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है यहां से हमारे पास। तो ये था हमारा 2018 का पेपर। देखते हैं 2019 में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। पैटर्न वही है, वन मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, टू मार्क्स के लिए टू क्वेश्चन आए हुए हैं और फोर मार्क्स के लिए भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं वन मार्क्स के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें है डिफरेंशिएट करना है हमें कोस साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम वाई के इक्वल मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा, कोस का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन, और ये फिलहाल तो ऐसे ही लिखेंगे इनटू, क्योंकि एक्स नहीं है तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा कोस एक्स, तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा माइनस, पहले लिख देते हैं कोस एक्स और साइन ऑफ साइन एक्स, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन दिया हुआ। इसी तरह से एक क्वेश्चन टू मार्क्स के लिए है हमारे पास कि फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, गिवन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कोस वाई। अब देखो ये इम्प्लीसिट फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्योंकि वाई बीच बीच में आया हुआ है तो इसको अगर हम वन मान लेते तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ए एक्स के लिए ए हो जाएगा, अब देखो बी तो एज इट इज, वाई स्क्वायर का करना है हमें टू वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और कोस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया ए प्लस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ और विदाउट डीवाई बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ, तो इसको हम इधर ले आएंगे टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तो इधर था ही, प्लस ये इधर आके साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस ए, तो डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे टू बी वाई प्लस साइन वाई और साथ में ये डीवाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस ए, तो डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा माइनस ए डिवाइड बाई टू बी वाई प्लस साइन वाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन से आया हुआ है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, टू मार्क्स में एक और क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा,
तो डीवाई बाई डी एक्स पूछा गया है, तो फिर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाए सॉरी फिर ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म की एक्सरसाइज से आ गया क्वेश्चन, इससे पिछले वाले पेपर में भी आया था हमारे पास वो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म की जो एक्सरसाइज है उससे हमारे पास क्वेश्चन x और y जो फंक्शन है वो थीटा की फंक्शन है, तो हम x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx डिवाइडेड बाय d थीटा ये हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है cos का माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा, इसी तरह से y का करेंगे तो dy डिवाइडेड बाय d थीटा, a कांस्टेंट है इसका हो जाएगा a cos थीटा, तो dy बाय dx हमें कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाय d थीटा डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय d थीटा, तो dy बाय d थीटा और dx बाय d थीटा की वैल्यू पुट कर दो, dy बाय d थीटा है हमारे पास a cos थीटा और ये है हमारे पास माइनस a sin थीटा, तो a कैंसिल हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, हमारे पास cot थीटा आ जाएगा विद माइनस sin, तो dy डिवाइड बाय dx इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस cot थीटा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो 2 मार्क्स के लिए बेहद इजी सा क्वेश्चन उसने चूज किया। नेक्स्ट 4 मार्क्स के लिए अब की बार क्वेश्चन उसने कंटिन्यूटी से रिलेटेड ले लिया है, तो 4 मार्क्स में इसका जो क्वेश्चन है वो है फाइंड a सो दैट द फंक्शन फंक्शन है kx प्लस 1 x इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड cos x इफ x इज ग्रेटर देन पाई इज कंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई। देखो कितने मजे की बात है, 2017 का जो पेपर था उसमें ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, और 2019 के पेपर में ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स के लिए, तो जब अब 4 मार्क्स के लिए आ रहा है तो 4 मार्क्स के हिसाब से कर लो, और जब 1 मार्क्स के लिए आ रहा है तो थोड़ा रफ में उसको जल्दी से कर दे। अब यहां से देखो k की वैल्यू निकालनी है, ये फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है पाई पे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, पाई पे कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू पाई fx और फंक्शन की वैल्यू पाई पे वो सेम होगी, अब फंक्शन लेस देन और ग्रेटर देन के लिए अलग से डिफाइन है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव fx और ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये सारी सेम होगी। अब देखो फंक्शन की वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं एट x इज इक्वल टू पाई, फंक्शन फंक्शन हमारे पास इक्वल का साइन यहां पे है x इज इक्वल टू पाई फंक्शन है kx प्लस 1 तो f ऑफ पाई तो हमारे पास आ जाएगा k पाई प्लस 1। अब यहां पे हमें पुट करना है तो पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट fx, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव पाई से लेस के लिए फंक्शन है हमारा kx प्लस 1, अब आप पुट करना चाहो तो पुट कर सकते हो x को पाई माइनस एच और डायरेक्ट x की जगह पे पाई पुट करना चाहो तो पाई पुट कर सकते हैं, अब यहां से अगर आप पुट करना चाहें तो पुट भी कर सकते हैं उससे भी कुछ चेंज नहीं होने का इसमें, अब हम कर अगर पुट करें कि पुट x इज इक्वल टू पाई माइनस एच एज x टेंड्स टू पाई दिस इंप्लाइज x टेंड्स टू जीरो, तो ये कन्वर्ट हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो के इंटू एक्स की जगह पे हमने लिखा पाई माइनस एच और प्लस 1 और अब h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो k और ये पाई माइनस 0 प्लस 1 तो ये आ गया k पाई प्लस 1, तो लेफ्ट लिमिट आ गया हमारे पास। अब देखो अगर आप x की जगह पे पाई पुट करते तब भी ये k पाई प्लस 1 ही आता क्योंकि जब हमने बात की लेफ्ट लिमिट की x इज x टेंड्स टू पाई नेगेटिव तो लेस के लिए हमने लिया तो इसका मतलब ये काम हमने कर दिया। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट That is limit x tends to pi positive function. अब pi positive right side से approach कर रहे हैं, यानी कि x is greater than pi pi के लिए function हमें check करना है। तो limit x tends to pi positive. अब यहाँ पे हमारे पास function कितना है cos x. फिर वही बात put करना चाहो तो put कर सकते हो
और सीधा ही चलना चाहो तो सीधा, क्योंकि हमने पहले एक क्वेश्चन सिंपल किया था, आपकी बार पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस h एज x टर्न्स टू पाई, दिस इंप्लाइज h टर्न्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो cos पाई प्लस h। तो लिमिट पुट कर देते हैं cos पाई प्लस जीरो, यानी कि cos पाई, अब cos पाई कितना होता है माइनस वन, cos पाई माइनस वन, तो cos फॉर्मूला होता है cos n पाई, ये माइनस वन रेस टू पावर n होता है, n की जगह पे 1 आया तो ये cos पाई बना, तो माइनस वन रेस टू पावर 1 तो कितना आ जाएगा माइनस वन। तो इस फॉर्मूले से हमने cos पाई की वैल्यू माइनस वन निकाली। अब देखो लेफ्ट लिमिट की वैल्यू आई है हमारे पास k पाई प्लस वन, राइट लिमिट की वैल्यू आई है माइनस वन, और फंक्शन की वैल्यू भी यही आई है k पाई प्लस वन। तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं, तो k पाई प्लस वन दैट इज माइनस वन, तो k पाई इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो माइनस टू, तो k इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइड बाई पाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा 2019 का पेपर। तो प्यारे बच्चों, हमने 2017, 2018 और 2019 तीनों ही पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया है, और इसमें एक पैटर्न उभर के क्या आ रहा है कि जो चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि 9 मार्क्स का है, उसमें से एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के लिए आ रहा है, दो क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए आ रहे हैं, और जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आ रहा है। और अगर हम इंपोर्टेंट की बात करें तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेसिक सा आ रहा है, क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड, कंटिन्यूटी से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आपको मिल रहा है, चाहे वो 1 मार्क्स के लिए आए, चाहे वो 2 मार्क्स के लिए आए, चाहे वो 4 मार्क्स के लिए हुए। अब वो एक बार 1 मार्क्स के लिए आ रहा है, एक बार 2 मार्क्स के लिए आ रहा है, और एक बार 4 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी कि वाई बीच बीच में आया हुआ है, उसका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आया हुआ है। साथ में जो पैरामेट्रिक फंक्शन है एक्स और वाई किसी अन्य फंक्शन में दिए हुए, एक्स और वाई टी में दिए हो, एक्स और वाई थीटा में दिए हो, वो वाला क्वेश्चन भी हर पेपर में आया हुआ है, तो यहां से ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हमारा फंक्शन रेस टू पावर फंक्शन, जो फंक्शन रेस टू पावर फंक्शन जिन क्वेश्चन को हम लोग लेके सोल्व करते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा जो बात करें अगर हम और टॉपिक की, तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी आपको सलाह भी रहेगी कि जहां तक चैप्टर 5 की बात है, चैप्टर 5 को आप एग्जाम वैल्यू के हिसाब से ना देखें, चैप्टर 5 आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, चैप्टर 5 आपका मैथमेटिक्स का बेस है, आगे की जितनी भी आपकी हायर स्टडी है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 5 की आपने बहुत डीप स्टडी करनी है, और एग्जाम वैल्यू के हिसाब से ना सोच के कि ये इसमें इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ ये करें, इंपॉर्टेंट करें आप, इंपॉर्टेंट पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दें, लेकिन आपको हर एक जितने भी उसके अंदर टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको हायर स्टडी में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। थैंक यू वेरी मच।